हरियाणा में बीजेपी सरकार स्कूली बच्चों को गीता का ज्ञान देगी। सरकार ने इस विषय में तैयारी पूरी कर ली है, जल्द ही मसौदा बनाकर शिक्षा विभाग को भेज दिया जाएगा। वहीं सरकार इस फैसले पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं, जिसे लेकर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने एनबी न्यूज से खास बातचीत की है। प्रदेश सरकार ने स्कूली पाठ्यक्रम में गीता को भी शामिल करने का फैसला लिया है। विपक्षी दल इसको जो आरोप लगा रहे हैं सबको लेकर कि एजुकेशन का जो है, शिक्षा का जो है, भगवाकरण किया जा रहा है। हमारे साथ इस समय प्रदेश के शिक्षा मंत्री, जिनके पास पर्यटन और सांस्कृतिक विभाग भी है, हम उनसे जानेंगे कि विपक्ष का ये आरोप कितना सही है। सर, ये बताएं कि जो ये गीता का पाठ जो है स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने के फैसले को कितना सही मानते हैं? नहीं, बिल्कुल सही है। हमारी पहचान जो है गीता से, उसमें कोई गीता में कहीं भी इस प्रकार का कोई बात नहीं कही। वहाँ तो आपका जीवन जो है वो किस प्रकार का होना चाहिए, कैसा आप जीवन जीना चाहिए, तो उसकी बात कही गई है। उसमें कहीं किसी संप्रदाय की बात थोड़ी है, कहीं गीता में कहीं भी नहीं है कहीं इस प्रकार की बात। और भगवाकरण की जिस प्रकार से बात कहते हैं, तो मेरा मानना है कि जो हमारी पहचान है ना, वो भगवी पहचान है हमारी। हमारा जो कल्चर है, हमारी संस्कृति जो है, हमारे जो महापुरुष हैं उन्होंने जो भी किया, वो भगवे से एक पहचान। हमारे यहाँ भगवे का मतलब पवित्र है, त्याग है। भगवे का मतलब कोई सांप्रदायिकता नहीं है। तो अगर कोई लोग ऐसी बात कहें तो वो उनकी समझ का फर्क है। अब वो भगवा गलत नहीं है, वो वही गलत है। तो आपको इसमें कोई अतिशयोक्ति नज़र नहीं आती? नहीं, देखिए मुझे गलत लगता है अगर हम किसी के साथ भेदभाव करें। जो शब्द धर्मनिरपेक्षता है ना, वो शब्द ही गलत है। शब्द है पंथ निरपेक्षता, यानी किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं करना। जैसे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि 135 करोड़ के 135 करोड़ के लिए मैं काम करूंगा। जैसे मनोहर लाल जी कहते हैं हरियाणा एक, हरियाणवी एक, तो वो बात है। जो शासक है, जिसको भी मौका मिला, उसकी ड्यूटी है कि उस सबके साथ एक जैसा व्यवहार करे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपने कल्चर को छोड़ के करें। कल्चर तो सबका, कोई एक जाति का या एक संप्रदाय का थोड़ी है, वो तो सारे का है। जो हम 135 करोड़ लोग इकट्ठे हैं तो वो सारों का मारा है। अगर राम भी है तो राम सबका पूर्वज है, मारा चाहे हम कोई है। अब अगर कोई मुसलमान भी है तो मुसलमान का भी पूर्वज ही तो राम ही तो होगा। अब उसका कोई और पूर्वज हो जाएगा, आखिर वो हमारे में से कहीं ना कहीं। अब भी मिलते हैं लोग जो कहते हैं कि भाई हमारा आपका तो परिवार एक ही है। मुझे मिले ऐसे आदमी जिन्होंने मेरे को समझाया कि भाई ऐसे से आप कितनी उम्र का मैं, आप अपने बुजुर्गों से पूछियो, हमारा तो खानदान एक ही। और भी बहुत लोग, एक एक मैं नहीं कह रहा, कितने ही सबके सब ऐसे हैं। आज कुछ उनमें से मुसलमान बन गए, कुछ हिंदू है गए। तो हमारा जो ये हैं कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि गीता को पाठ्यक्रम में शामिल किए जाना कोई बुरी या अलग बात नहीं है। उन्होंने कहा कि गीता किसी धर्म या संप्रदाय की नहीं बल्कि एक ज्ञान का ग्रंथ है। और उन्होंने ये भी कहा कि इससे जो है जो ज्ञान लोगों को मिलेगा। और इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि 20 सितंबर से पहली, दूसरी और तीसरी जमात की जो कक्षाएं हैं वो स्कूलों में शुरू कर दी जाएंगी। एनबी न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश गुप्ता।